हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीत स्टॉक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे मोबाइल ऐप को लेकर जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक का स्टूडेंट कोई भी हो, ये पांच ऐप उनके बहुत काम आने वाले हैं। इन ऐप के ज़रिए आप अपना जो है नोट्स निकाल सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, कभी आपका स्कूल यदि मिस होता है तो उस सिलेबस को जो है आप इन ऐप के थ्रू जो है कवर कर सकते हैं। इन ऐप में आपको देश के टॉप जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं और उनके थ्रू जो है आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन पांच ऐप को जो है कैसे यूज करते हैं और ये पांच ऐप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। दोस्तों यदि सबसे पहले ऐप की बात करें तो पहला जो ऐप है वो है ई पार्ट्स। डाउनलोड कर लेंगे या इस इन पांचों ऐपों की लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ई पाठशाला, इस ऐप की यदि बात की जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया ऐप है और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इस ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें आप जो है एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ एजुकेटर्स। तो आप इसमें जो है लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं एज अ स्टूडेंट इसमें लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें जो है पहले से लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको इसमें जो है आपकी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है, किस क्लास का जो है आपको सिलेबस चाहिए या जो भी ये है, तो आप उस क्लास को जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको जो है इसमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मैंने 11th क्लास चूज़ करके रखा है तो मुझे 11th क्लास की सारी बुक्स जो है इसमें दिखाई दे रही हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सारी बुक्स मुझे इसमें मिल रही हैं। तो ये आप जो है इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं या इन बुक को जो है आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इसमें ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें टॉप जो टीचर्स होते हैं, जो भी होता है वो अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है, तो इसमें ये वीडियो दी गई हैं जिससे आप अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और वीडियो के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को जो है आप ज़रूर डाउनलोड करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है तो इस और ये जो है NCERT से रिलेटेड है। तो इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों यदि दूसरे ऐप की बात की जाए तो दूसरा जो ऐप है वो है NCERT सॉल्यूशन। ये जो ऐप है वो NCERT द्वारा डेवलप किया गया ऐप है। इस ऐप में आप जो है इसमें भी आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें जो है स्टार्टिंग में क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है, आप किस क्लास की कैटेगरी में जो है इस ऐप को ओपन करना चाहते हैं, फिर आप यहां पर आकर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको क्या है कि टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, इसके साथ ही साथ आप इसमें आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप इसको पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको जो इसका बाय करना पड़ता है 299 में पर मंथ जो है, तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो बेस्ट टीचर से जो है पूछ सकते हैं, उनसे अपना कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इसमें देख रहे हो कि आपको सारी जो आपकी NCERT की जो मैथ्स होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी होती हैं, वो सारे सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेंगे। जैसे मैं केमिस्ट्री पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें आपको चैप्टर बाई चैप्टर जो है दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, इनको आप जो है चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। एक चैप्टर को डाउनलोड करने के बाद आप इसमें जो है इनको ओपन करेंगे, जैसे ही ये ओपन होंगे तो इसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके जो है आंसर्स मिलेंगे। ये भी पहली बार डाउनलोड हो रहा है तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो मैंने ये देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो है ये सॉल्यूशन दिया गया। तो इस टाइप से आपको एवरी चैप्टर के जो है क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन इस ऐप के थ्रू मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस ऐप को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों इसके बाद अगला जो ऐप आता है वो है MyCBSE गाइड। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इस ऐप के थ्रू जो है आप अपनी बुक्स, यदि आपको कोई बुक्स बुलानी है तो उसे आप
ऑर्डर भी कर सकते हैं, शॉप पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें ऑफलाइन कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी कंटेंट चाहिए है उसको आप डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन भी मिलेगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन से कोई लेकर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन इसमें डालिए, आपको उससे रिलेटेड इसमें यदि आंसर होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको इसके जो है आंसर देंगे। इसके साथ ही साथ साइंस, मैथ्स, हिंदी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको इसमें मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री होते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी होती है तो टेस्ट सीरीज़ का आप जो है यूज करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी बोर्ड क्लास के लिए। इसके साथ ही साथ किसी भी क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट हो, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th, 1st, 2nd, 3rd किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सभी इन ऐप का जो है यूज कर सकते हैं। इस ऐप का और इसके अलावा भी जो बाकी ऐप मैंने बताए हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों इसके बाद अगले ऐप की बात करें तो वो है ग्रेड अप स्कूल। ग्रेड अप स्कूल इस ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको जो है इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको जो है यहाँ पर क्लास दी रहती हैं, आपको क्लास चूज़ करनी पड़ती हैं, किस क्लास से लेकर किस क्लास तक का जो है चाहिए है। आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास को चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर उसकी बुक्स मिलेंगी, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप इसमें आपकी मेन चीज़ ये है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन इसमें फिल करिए, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो सेंड करके भेजिए। इसके बाद आपको जो है लाइव आंसर मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कई लोग लाइव होते हैं और एक्सपर्ट जो हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। यदि आप उस आंसर से सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा भी बहुत लोग जो है आंसर देते हैं। यदि आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर है तो आप भी जो है इस पर फिलअप कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सब्जेक्ट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस ऐप का भी यूज कर सकते हैं। इस पे आप जो ऊपर दिख रहा है क्लिक अ फ़ोटो गेट आंसर, मतलब आप जिस क्वेश्चन की आंसर चाहिए उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, कुछ देर बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर बुक्स के ऑप्शन पर जाकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी, एनसीईआरटी मैथ्स, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट वन, एनसीईआरटी बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सारी बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ क्वेश्चन सेशंस में जाकर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप सेंड करेंगे उसके आंसर्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये ऐप काफ़ी आपके लिए काम आने वाला है क्योंकि इसमें आपको सारी बुक्स मिलेंगी, ऑफलाइन कंटेंट हैं, ऑल बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, बायोलॉजी पार्ट बाई पार्ट आपको इसमें बुक्स भी मिलेंगी, मैथ्स, एनसीईआरटी, तो ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। ये ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऐप आता है वो है आरडी शर्मा सॉल्यूशन 10th। ये खासकर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है क्योंकि 10th क्लास में आप जानते हैं एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा का लोग यूज करते हैं और आरडी शर्मा से जो है 60% क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। आप कभी भी पेपर उठा के देखिएगा, आरडी शर्मा से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इसके क्वेश्चन थोड़ी टफ होते हैं। तो आरडी शर्मा के इसमें जो है आप जैसे चैप्टर वन देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो क्वेश्चन है उसकी सारी सॉल्यूशन इसमें दिए हैं। तो ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो यहाँ से आप चैप्टर बाई चैप्टर जाकर उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आरडी शर्मा यूज करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऐप है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे और इन ऐप का आप ज़रूर यूज करें, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो। ये आरडी शर्मा को छोड़कर ये 10th वालों के लिए पर्टिकुलर, बाकी इन चारों ऐपों का आप यूज कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका कुछ छूटता है तो उसे भी आप जो है पूरा कर सकते हैं इन ऐप के थ्रू। तो इनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इन्हें प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पर ये अवेलेबल हैं, दोनों से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जो है फॉलो कर सकते हैं, जिसकी नीचे टैग दी गई हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई। हमारे साथ बने रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।